इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संग्रह परमार्थ का, संग्रह पुण्य का, संग्रह सत्कर्मों का, सामान का संग्रह नहीं करना। संग्रह कर भी लिया तो उसका उपयोग नहीं है। कितना एकत्रीकरण कर लेंगे हम, कब तक एकत्रीकरण कर लेंगे, करके भी क्या कर लेंगे। एकत्र ही कर लिया तो लाभ क्या है। महाराज ने गुरु आज्ञा मानी, चक्रवर्ती जी को जो आज्ञा भई उसके अनुसार सचिव महाराज को संदेश मिला, कल प्रभात वेला में सूर्य भगवान की रश्मियों की उपस्थिति में राम जी को युवराज पद पर गुरुदेव भगवान अपने कर कमल से अभिषेक करेंगे। देखिए, संग्रह, सुखपेक्षा, भोग, लगाव, ये तो सहज स्वभाव है सामान्य जीव का। त्याग सहज स्वभाव नहीं है। मेरे परमात्मा को जैसे ही खबर चली है, भगवान सोचने लगे, हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ यज्ञोपवीत भया, एक साथ अध्ययन किए, होता कभी नहीं है, एक साथ विवाह भया, और हमारे तीनों भाइयों को छोड़कर मैं ज्येष्ठ हूँ इसलिए मेरा अभिषेक होगा, ये तो उचित नहीं है। बस भगवान ने रचना बना दी, देवताओं को प्रभु ने प्रेरित कर दिया कि हम जिस कार्य से आए हैं आप उसको संपादित करिए। भगवत प्रेरणा से देवताओं ने मां सरस्वती जी का आह्वान किया और उनको ये बात समझाने की बहुत योजना, प्रश्न उत्तर, कोशिश, यत्न, प्रयास बहुत किया। मैया मानी नहीं। तब देवताओं ने कहा, मां सरस्वती, आप तो जानती हैं कि हमारे प्रभु राम जी सुख दुख से परे हैं, राम जी युवराज पद पर अभिषेक कराने के लिए साकेत से मृत्युलोक में नहीं पधारे, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए गए हैं, ब्राह्मणों संतों की रक्षार्थ आए हैं, देवस्थापन के लिए आए हैं, और आसुरी प्रवृत्तियां धरती पर अपना प्रभाव पसार रही हैं, फैला रही हैं, अस्तु आपको यह देव कार्य निश्चित ही करना चाहिए। मां सरस्वती बोली, हमारी निंदा होगी? नहीं, प्रभु जो चरित्र करेंगे चरेंगे, कभी लोग उसका स्मरण करके और जब अपनी लेखनी से संपादित करेंगे तब आपकी कीर्ति की चर्चा होगी। मानसर में बाबा लिखते हैं, सरस्वती जी को कभी लोग जब आवाहन करते हैं, सरस्वती जी देवलोक से दौड़ी दौड़ी आती हैं, जब अपनी लेखनी से कभी लोग भागवत, कभी लोग भगवत कथा, भागवत कथा भक्तों की कथा लिखते हैं, तो सरस्वती जी को अति शीतलता प्राप्त होती है। परंतु जब कभी लोग जगत के जीव की गाथा लिखते हैं कि इन्हें
प्राकृत नरगुण गाना सिर धुन गिरा लगते पछीता। सरस्वती जी अपना सिर पीटते हैं मुझे नहीं तो भगत है तो विद भवन भाई सुमिरति सारद आवे भाई। परंतु जब जगत के जीव की गाथा लिखी जाने लगती है तो सरस्वती जी दुखी हो जाती है। यह बात माँ शारदा को बहुत अच्छी लगी। अब उन्होंने अपना विघ्नेश्वरी स्वरूप अयोध्या में भेजा। अब देखिए कोई हो तो बुरा न मानिएगा, एक दिन कथा में दो तरह की बात आई थी, क्या था एक दो सूत्र बताए थे ना, क्या एक वो बताए थे किसी कथा में हमें आह कंपनी वाह कंपनी, किस कथा में दो बात आई थी कोई अच्छा है? कन फुकवा कन भरवा, दो ही तरह के लोग होते हैं। एक कन फुकवा का काम करे थे, अरे सुन ला ऐसा कौन भी पतरल बा सुन ला कन फुकवा आ कन भरवा जोर से नहीं बोले थे। अब हम तो आके कहाँ बताई, गए देखे छाती फट गई साहब, अरे ऐसा का गिर पर आगे तुम्हारी छाती फट गई। बस शुरू, अब आधा घंटा में उनकी फटी न फटे लेकिन आपका खोपड़ी तो फाड़ी देंगे कही के सब उस समाचार। अब एक दो बात आज याद रखिएगा, क्या कई लोग अपने कुछ करें चाहे न करें लाला, परंतु दूसरे का ऐश्वर्य यदि दर्शन होए तो बर्दाश्त नहीं कर पावत। एक बार की घटना है, एक उत्सव में मैंने किसी को आह्वान किया, आए हो, मैंने देखा कि वो 20 मिनट बैठे हमारे पसीने पसीने हो गए। हमने कहा क्या तबीयत तो ठीक है, रुमाल निकाल निकाल पोछे। फिर दूसरा बगल में खड़ा था उसे नैपकिन मंगाए, वो सिर पोछे पसीने पसीने। अरे काहे, जो हो रहा था उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी आप क्या करेंगे, ये तो जीव का स्वभाव है। विवाह उत्सव धनुष भग्य के समय मैंने निवेदन किया था, गुरु विश्वामित्र जी ने क्या कहा, भली रचना। संत भगवान लोग कल क्या कह रहे थे, अरे मानो ऐसा लग रहा है कि यहां तो कुंभ मेला लगा है। कुंभ क्यों, क्या है कुंभ मेला में, एक उत्सव होता है, एक जाता है, एक आता है, एक रहता है, उधर उधर देखो चरखी लगी है, लड़का चरखी पे झूल रहे हैं है? लड़को लड़कन के खिलावे के चक्कर में लड़कन के माइयो झूलत हुए ऐसा जाके वहाँ है कहो गिर जाई बा लोग तब लड़कन के झूलाने गए थे, हम नहीं झूले थे कोई। ये तो क्या है, ये प्रयाग का आनंद है। महात्मा लोगों ने कितना आशीर्वाद दिया, वो गए तब से हम सबको प्रणाम करके थैंक यू कर रहे हैं, महाराज जी आपका आए बड़ी कृपा भाई, सब लोग बड़े गदगद हैं। तो ये क्या है, ये साधना एक तपश्चर्या, हम सब पर महापुरुषों की कृपा, ऐसा उत्सव कहीं दिखे ना गदगद रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, भगवान करे और हो और आनंद हो। क्या हो ठीक यही वह अयोध्या का साज सज गया, बाजा बजने लगा, वैदिक विद्वान लोग वेद मंत्र का पाठ करने लगे,
माताएं ब्राह्मण देवताओं ब्राह्मणी माताओं को बुलाकर अभिनंदन कर रही हैं, परंतु कई कई देश से आई थी एक दासी कई कई माई की, उसने जब देखा तो उसको साल हो गया। विघ्नेश्वरी आई, देखिए बुराई भी कहां रहना है जगह ढूंढ लेती है स्वयं, अब अच्छाई भी कहां रहना है जगह ढूंढ लेती है। नाम मंथरा मन मत चेरी कह के अजस पिटारी करी गई इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।